आज यहाँ क्या हो रहा है इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं दौरे पे था और मुझे एक अस्पताल दिखाई दिया और अस्पताल की बहुत पेंटिंग हो रही थी सामने, अस्पताल के सामने बहुत पेंटिंग हो रही थी। तो मैं उतरा और मैंने उनसे पूछा, भैया हो क्या रहा है, पेंटिंग हो रही है अस्पताल की। तो मैंने कहा, भैया मैं अंदर जा सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ आप एमपी हैं, आपको नहीं रोक सकते। तो मैं घुस गया अंदर, मैं डॉक्टर ढूंढने गया, डॉक्टर नहीं थे, पेशेंट ढूंढने गया, पेशेंट भी मिले, नर्स भी नहीं थी, अंदर कुत्ते घूम रहे थे अस्पताल के चार पांच। अच्छा सुनो, अस्पताल के बाहर 500 गज की चमकती हुई सड़क नहीं। तो मैं बाहर आया, मैंने कहा, भैया ये हो क्या रहा है, पेंटिंग हो रही है अस्पताल की, 500 गज की सड़क बनी हुई है, ये आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? एक सेकंड वो शांत हुआ, फिर उसने कहा, राहुल जी यहाँ पे मायावती जी हेलीकॉप्टर में आ रही है, वो देखिए वहां पे हेलीपैड है, वो इस सड़क पे आएंगी, अस्पताल देखेंगी और फिर चली जाएंगी, मेरा ट्रांसफर नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। ये आप, ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अगर यूपी को बदलना है तो आपके नेताओं को यूपी के बारे में समझ होनी चाहिए, आपको उनको गांव में जाना पड़ेगा। अगर वो गांव में नहीं जाएंगे, अगर वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, उनको आपकी सड़क की हालत नहीं मालूम होगी। जहां सीएम जाते हैं वहां सड़क बन जाती है, उनको लगता है कि बहुत सब चमक रहा है, अच्छा है। जो पुराना बीजेपी का नारा था इंडिया शाइनिंग, वही सोच रही है कि भैया यूपी चमक रहा है, सब कुछ फिट है। गांव में जाके आपका भोजन नहीं खाते, किसानों से बात नहीं करते, जो कुएं में गंदा पानी है वो नहीं पीते, बीमार नहीं होते। मैं क्यों जाता हूं गांव में, कि मुझे अपने आंखों से देखे भैया कैसी सड़क है, जाके दो तीन ग्लास गंदा पानी पी लेता हूं, बीमार हो जाता हूं, फिर मेरे दिमाग में घुस जाता है, भैया देखो गरीबों को ऐसा पानी पीना पड़ता है। तो जब नेता ऐसा काम करता है तो उसको समझ आती है हो क्या रहा है। मैं भी हेलीकॉप्टर में उड़ा हूं, ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है, बिल्कुल सड़क अच्छी दिखती है, गांव साफ दिखते हैं, मगर जब जमीन पर उतरता है आदमी, जब जनता से बात करता है, जब किसान से हाथ मिलाता है, तो खाना खाता है, तो गरीबी के बारे में समझ आती है। और बिना गरीबी के बारे में समझे आप उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि यहां कमी जात की या धर्म की नहीं, यहां एक ही कमी है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अगर उनको रोजगार की जरूरत होती है तो महाराष्ट्र जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है। दिल्ली का मेट्रो किसने बनाया? उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बनाया, वहां मजदूरी करते। महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां की सड़क कौन बनाता है? महाराष्ट्र को छोड़िए, मैं लद्दाख गया और लद्दाख में मुझे यूपी के लोग मिले, मैंने पूछा भैया यहाँ क्या हो रहा है, सड़क बना रहे, रोजगार ढूंढने आए, लद्दाख तक पहुंच गए। तो यहां रोजगार का आपको क्या हक नहीं है क्या? यहां सड़क का हक नहीं है क्या आपको? आपको सिर्फ सड़क महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए, रोजगार महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, पंजाब में, हरियाणा में मिलना चाहिए। और होता क्या है, यहां पे बड़ी बड़ी बातें होती है और फिर भ्रष्टाचार होता है। सड़क बनती है 3 महीने के लिए बनती है, 3 महीने के बाद खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टर पैसा ले जाता है, बीएसपी के कार्यकर्ता पैसा ले जाते हैं, मंत्री लोग पैसा ले जाते हैं। बदलाव लाना है तो आप ही लोग ला सकते हो, और कोई नहीं ला सकता। और मैं घूम रहा हूं उत्तर प्रदेश में और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का युवा है, खासतौर से युवा, वो बदलाव चाहता है। वो कह रहा है कि भैया ऐसे बात नहीं चलने वाली है, 20 साल से ऐसा काम चल रहा है,
अब हमें बदलाव चाहिए और सिर्फ एक पार्टी यहाँ बदलाव ला सकती है और वो है कांग्रेस पार्टी, जो आम आदमी की सरकार ला सकती है, सबकी सरकार ला सकती है। सुनो, देखिए, आपने हैदराबाद का नाम सुना है? हैदराबाद का नाम सुना है? आंध्र प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में बदल दिया, 10 साल में। आज आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, उनसे पूछिए हैदराबाद क्या है, पूरी दुनिया में आपको लोग बता देंगे हैदराबाद आंध्र प्रदेश का की राजधानी, वहां पे आईटी है, कंप्यूटर है, रोजगार है। 10 साल में हमने आंध्र प्रदेश को बदल दिया। दिल्ली को जाके देखिए, आपके लोग जाते हैं दिल्ली मजदूरी, एक सेकंड, मजदूरी करने जाते हैं, हर 3 महीने दिल्ली बदल जाती है। मेट्रो आई किसने बनाई? आपने बनाई। बड़ी बड़ी इमारतें कौन बनाता है? आप बनाते हो। अब आ गया है उत्तर प्रदेश को बदलने का समय, और कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कर सकते हो उस काम। आप लोग महाराष्ट्र को बदल दिए, आंध्र को बदल दिए, दिल्ली को बदल दिए, अब क्या हर एक प्रदेश बदलना है यहां? इससे पहले अब यहां भी शुरू करो। और आप में क्षमता है, आसानी से कर सकते हो। जिस दिन यहां पे आम आदमी की सरकार आ गई, जिस दिन दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 5 साल लगेंगे उत्तर प्रदेश को पटरी पे लाने में, और 10 साल में आप इस प्रदेश को नहीं पहचान पाओगे, बदल देंगे इसको। आज आप महाराष्ट्र जाते हो, हरियाणा जाते हो, कल महाराष्ट्र से हरियाणा से लोग यहां आएंगे, और होगा आप देखना। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, बदलाव का समय है, एक साथ काम करने का समय है, और युवाओं को खासतौर से कहना चाहता हूं, अगर आप बदलाव नहीं लाओगे, अगर आप सोच नहीं बदलोगे, तो फिर यहां कुछ नहीं होने वाला। पूरा भरोसा है आप पे कि आप इस प्रदेश को बदलोगे, विकास लाओगे, प्रगति लाओगे। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। नमस्कार।